जय हिंद, वंदे मातरम। मैं ग्रैंड मास्टर शिफू जी शौर्य भारद्वाज बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि धर्म की बात चल रही है, तो मैंने कहा कि मैं भी अपना धर्म बता ही दूं। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा इलाही, मेरा मुर्शिद, वो हमेशा से तिरंगा था, है और रहेगा। जिंदगी तो खुद के कंधों पे जी जाती है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे उठाए जाते हैं। ऐसा बोलने वाले शहीद भगत सिंह, जिन्हें 23 साल की उम्र में ही फांसी दे दी गई थी, आज हम उसी वीर क्रांतिवीर के बारे में जानने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अट्ठाईस सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म बांगा में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह और उनके माताजी का नाम विद्यावती कौर था। उनके परिवार के ज़्यादातर लोग स्वतंत्र सेनानी थे, जिस वजह से भगत सिंह बचपन से ही बहुत हिम्मत वाले और देशभक्त थे, जिस वजह से उन्होंने अंग्रेजों के अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। जब वे सिर्फ 12 साल के थे, उन्हें जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी चीज़ें देखनी पड़ी। वे बचपन में गांधी जी का समर्थन किया करते थे, पर 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पीछे ले लिया था, उसके बाद से भगत सिंह को गांधी जी से सख्त नफरत हो गई और 30 अगस्त 1930 में हुए साइमन कमीशन विरुद्ध प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और वहां हुई लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। जैसे 17 अक्टूबर 1928 में लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 में लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जय गोपाल ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हत्या कर दी, जिसके बाद भगत सिंह को अपने बाल और अपनी दाढ़ी भी कटवाने पड़ी थी। जिसके बाद 1929 में ब्रिटिश सरकार मजदूरों विरुद्ध बिल पास कराना चाहते थे, जो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों को मंजूर नहीं था। इसकी वजह से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके और बम फेंकने के बाद खुद ही इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल ले जाया गया। जिस जेल में भगत सिंह को रखा जा रहा था, उस जेल में अंग्रेज कैदी और भारतीय कैदियों पर भेदभाव किया जा रहा था, जिसे देख भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने भूख हड़ताल करने का निश्चय किया। भूख हड़ताल तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने बहुत ही खतरनाक प्रयास किए, जिसे हम सुन भी नहीं सकते। उन्हें बर्फ में लटाकर कॉर्ड से मारा जाता था और जबरदस्ती खाना खिलाने का प्रयास किया जाता था। उन्हें कुछ दिन बाद लाहौर के जेल में ले जाया गया। वहाँ राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और जतेंद्रनाथ दास को इनके भूख हड़ताल के बारे में पता चला। उसके बाद उन्होंने भी भूख हड़ताल शुरू कर दी। 13 सितंबर 1929 में जतेंद्रनाथ दास की 63 दिन भूखा रहने के बाद मौत हो गई, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को भगत सिंह की सारी शर्तें माननी पड़ी। लगभग 116 दिन के बाद 5 अक्टूबर 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा और बाकी कैदियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 24 मार्च 1931 फांसी का दिन तय किया गया था। जनता में उठते फांसी के विरोध के वजह से 23 मार्च 1931 को लगभग 7:33 में उन्हें फांसी दी गई। जब उन तीनों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब वे लोग बहुत खुश थे और जोर जोर से गाने गा रहे थे। फांसी के समय इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए तीनों ने खुशी खुशी फांसी दी। वे बहुत खुश थे क्योंकि वे देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। फांसी के बाद भगत सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें फिरोजपुर की तरफ ले जाया गया और वहाँ केरोसिन डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई, पर आग देखकर जैसे ही लोग वहाँ करीब आने लगे तो अंग्रेजी आदमियों ने उन्हें नदी में फेंक दिया। बाद वहाँ के लोगों ने नदी से उनके टुकड़े निकालकर उन्हें विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया और वे तीनों अमर हो गए। भगत सिंह चाहते तो माफ़ी मांगकर खुद की फांसी की सज़ा रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे बहुत बड़े देशभक्त थे और वो देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। तो करके उनकी याद में जय हिंद।